मनोज चौहान जय माता की, नारायण सिंह जय माता जी की, माउंटी जी जय माता जी की, मिंटू जय माता जी की, अशोक ढांची जय माता जी की, सुसोदिया जी जय माता जी की, ठाकुर दलीप सिंह जय माता जी की, कुंवर राम सिंह जय माता जी की, शेर जय माता जी की, संदीप परमार जय माता जी की, देवी सिंह जय माता जी की, आप सभी को साध्वी जी, गोपाल सिंह इंदा कह रहे हैं जय माता जी की। सबसे पहले एक निवेदन जो हमेशा मैं बोलती हूँ आपको, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सब लोग जुड़ जाएं। अब मैं बात करती हूँ हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बन गई, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद आशीर्वाद देना चाहती हूँ। दोबारा एक और उसके साथ साथ मोहन सिंह जी जय माता जी की, राजपूत दीपक जय माता की, जीत जी जय माता जी की, सोनू राणा जय माता जी की, आप जितने लोग जुड़े एक बार फास्ट इसको शेयर कर दो। दुष्यंत चौटाला जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद के साथ साथ शुभकामनाएं देना चाहूंगी बहुत सारी, जिन्होंने बीजेपी सरकार बनाने में अपना पूर्णतः से सहयोग दिया। हम लोग आभारी हैं क्योंकि बीजेपी पार्टी के विशेष रूप से कट्टर समर्थक हैं। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ आज हरियाणा में, जो आज दुष्यंत चौटाला के झंडे फूंक रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को गालियां दे रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के मतलब झंडे साथ साथ देवीलाल जी के भी जिन झंडों के ऊपर मूर्तियां लगी हैं उनको फूंक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हरियाणा के अंदर इसका मतलब आज पता चला कि कितना जातिवाद है। आज हरियाणा के अंदर पता चला दुष्यंत चौटाला जी के बीजेपी पार्टी में आते ही कि आप लोग वो लोग झंडे फूंक रहे हैं जो आपस में भाईचारा चाहते ही नहीं। मैं अनुराग ठाकुर जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक क्षत्रिय होने के नाते और दुष्यंत चौटाला जी के क्लासमेट होने के नाते हरियाणा के अंदर इतने हिमाचल से आकर यहां भाईचारा कायम करने का काम किया जो एक छात्र धर्म कहता है। दूसरा विशेष रूप से सीएम साहब का, मैं खट्टर साहब का और उसके साथ साथ अमित शाह जी का विशेष रूप से एक मैं कहूंगी एक पावरफुल पर्सन जिन्होंने इतनी समता रखी। अगर बीजेपी पार्टी इस तरह की पार्टी होती तो गोपाल कांडा को एक मिनट में ले लेती। जैसे उनकी छवि की बात आई तो तुरंत निर्णय लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या हम अपनी पार्टी को साफ छवि की पार्टी रखना चाहते हैं, और दुष्यंत चौटाला जी से समझौता किया। फिर मैं आज बात करना चाहूंगी कि आज जो लोग बीजेपी के साथ साथ दुष्यंत चौटाला जी का इस तरह से गांव गांव झंडे फूक फूक दारू पी पी कोई लेडीज कोई जेंट्स कोई मतलब ऐसे आपा पीट रहे हैं जैसे उनका उनका कोई देहांत हो गया उनका, अरे इतना जातिवाद। हरियाणा वो प्रदेश है जहां बोली एक है, भाईचारा एक है, प्रेम एक है। आप लोग इस तरह का संदेश देना चाहते हो? आपको खुशी होनी चाहिए दोबारा से हमारे समाज के अंदर कई वर्षों के बाद दुष्यंत भाई ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए एक दुष्यंत एक नया नेता है और अगर सारी बातें चुनाव के दौरान आपने क्या कहा, दुष्यंत ने खट्टर जी को जमुना पार की बात कही, खट्टर जी ने दुष्यंत को क्या कहा, वो राजनीतिक कटाक्ष है। मैंने जेजेपी को क्या कहा, किसी ने चौटाला को क्या कहा, ये सब गलत बात है। आज मैं अभय सिंह चौटाला जी को भी कहना चाहूंगी कि आप क्या है ये, आप औरंगजेब का दर्जा दे रहे हो उनको जो कि बहुत गलत है। और एक और मैं बात कहूंगी कि करनाल से जेजेपी का एक प्रत्याशी लड़े थे तेज बहादुर सिंह यादव, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। भाई साहब आपने तो पतली दाल कहकर मिलिट्री को धोखा दे दिया था, ये तो बीजेपी और जेजेपी की बात है, आप कहां रुकने वाले थे? मुझे तो पहले ही पता आपके लक्षण किस प्रकार से हैं।
दूसरे मेरे भाई जो सोशल साइट पे जिनको लाखों लाखों आदमी देखते हैं, कहीं के हजार लोग शेयर करते हैं, उन भाइयों को और उन बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि दुष्यंत भाई ने जो भी निर्णय लिया, आप लोग हरियाणा के भविष्य के लिए, हरियाणा के फ्यूचर के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए आप लोगों को सहमति जतानी चाहिए और एक राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए। जातिवाद को छोड़कर, समाजवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए। मैं इसके साथ एक बात और सोच रही थी कि अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी में नहीं जाते, विपक्ष में बैठे रहते, तो आप लोग 5 साल क्या करते? दुष्यंत किसका भला कर पाता विपक्ष में बैठकर? एक और बात, दुष्यंत चौटाला अगर कांग्रेस के साथ चला जाता तो लोग कहते ये वही गद्दार है, ये हुड्डा साहब के साथ चला गया जिसके बाप को और जिसके दादा को कांग्रेस सरकार ने 10-10 साल का कारावास काट रहे हैं, जिस हुड्डा की वजह से आज ये दुष्यंत चौटाला उसी के साथ चला गया। अगर दुष्यंत चौटाला कांग्रेस में भी नहीं जाता, विपक्ष में भी बैठा रहता, तो लोग क्या करते? क्या अगली बार वोट देते दुष्यंत चौटाला को? बिल्कुल नहीं देते, कहते तो खत्म हो गया, 5 साल वो खराब हो गए और 5 साल और खराब, क्यों वोट दें? तो इस तरह की छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये आपका हमारा सौभाग्य है कि हमें युवा नेता मिला। दुष्यंत भाई इससे मेरी भी कई नाराजगी थी, लेकिन आज जो दुष्यंत चौटाला जी ने निर्णय लिया, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और जेजेपी के जितने भी युवा प्रत्याशी आए हैं बनकर उनको शुभकामनाएं। और साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने निर्णय पे अड़िक रहें और कल मनोहर लाल खट्टर जी शपथ लेने जा रहे हैं, हरियाणा का फ्यूचर फिर से और सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। यहाँ पे इस तरह से आप पुतले ना फूको, इस तरह से झंडे ना जलाओ, इस तरह से बैंड ना जलाओ। और जो छोटे और कुछक लोग हैं, ये बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं है, ये 20-30-50 लोग हैं, 2-4 महिलाएं हैं जो रोना पिटना करते रहते हैं, इनको कोई नहीं सुनता, इनसे भाईचारा खराब नहीं होता। आपने राजकुमार सैनी से पहले देखा होगा, हमारे हरियाणा में राजपूत जाट तो एक ही बात मानी जाती थी, कोई अलग मानता नहीं था। ये 2-4 पार्टियां उधर से बन गई, 5-7 लोग इधर से बन गए, किसी ने राजपूत राजपूत के बांट दिया, किसी ने जाट जाट के बांट दिया, किसी ने सैनी के बांट दिया। मैं इन तीनों ही लोगों का विरोध करती हूँ, लेकिन आज जो दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी के साथ आकर जो कार्य किया, वो इतना सराहनीय कदम है हरियाणा के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, मतलब शुभकामनाएं कम है। मैं चाहती हूँ कि इससे भी ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। आप ऊंचे पद पे जाएं, राष्ट्र के लिए सोचें। चौधरी देवीलाल ने जो काम किए थे, मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला उनके नक्शे कदम पर देश में इस तरह के काम करेंगे। अगर वो देश में, मतलब हरियाणा में रह जाते, अपने क्षेत्र में रह जाते, अपने जातिवाद में रह जाते, क्या आपको कुछ दे पाते? नहीं, ये राष्ट्रवाद की सोच है। और जो लोग ऐसे कह रहे ना, कोई उनको आरएसएस के कपड़े पहनाकर शो कर रहा है, कोई उनको मतलब लहंगा पहना के शो कर रहा है, आप लोगों का जो लोग बुराई करने वाले लोग होते हैं ना, नौटंकीबाज लोग होते हैं, फेसबुक पे झूठे थूक लगा के आंसू लगाते हैं, ऑल नौटंकी लोग, उनको कोई नहीं जानता, उनकी पहले कोई औकात नहीं थी, अब कोई औकात नहीं है। मैं बीजेपी को, दुष्यंत चौटाला को, हरियाणा के फ्यूचर और भविष्य को, और हाँ मैं फेसबुक पे अपने सारे मित्रों को, दोस्तों को और भक्तों को सबको ये कहना चाहती हूँ, हरियाणा के अंदर शांति बनाने के लिए इस तरह के संदेशों को ज्यादा से ज्यादा आप वायरल करें, पहुंचाएं। और जो ये लोग दारू पी पी के ना, जो किराए के लोग हैं, जो इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, मैं कल रात से देख रही हूँ, दुष्यंत भाई के लिए इतना गंदा गंदा बोले जा रहे हैं, इनको अवॉइड करो, इनको मत देखो, इन वीडियो को मत वायरल करो, इससे हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर जातिवाद फैलता है। मतलब इसका मतलब तो आप लोग यही चाहते थे कि इन लोगों का विनाश हो, ये लोग तरक्की ना करें। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि दुष्यंत ने अच्छा निर्णय लिया और ठीक टाइम पे बीजेपी ने इस बात को समझने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और भी कई मंत्री कल भाजपा सरकार की शपथ लेने जा रहे हैं, सुखद और अच्छा 5 साल अगले बीते, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। अगर आपको मेरा संदेश सही लगता है, राष्ट्रहित में लगता है, जनहित में लगता है, हरियाणा के भविष्य और हरियाणा के युवाओं के लिए सुखद लगता है,
तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन लोगों को कंटिन्यू अवॉइड करना जो लोग दंगा करवाना चाहते हैं। मैंने सुना अभी एक फेसबुक पे एक भाई कह रहे थे कि जब दुष्यंत चौटाला धन्यवाद दौरे पे आएंगे तो उनका विरोध करो, काले झंडे दिखाओ। बट नॉनसेंस, आप लोग जाट होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हो? आप लोग किसी का ऐसा व्यवहार आप अपने अंदर पैदा कैसा कर सकते हो? आपको तो ये कहना चाहिए कि हमारा भाई डिप्टी सीएम बना है, सीएम का पद मिला है, तो खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि दुष्यंत चौटाला ने 5-10 महीने की पार्टी बनाकर सीएम पद तक पहुंच गया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गया, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं तक उसकी पहुंच होगी, वो बीजेपी के सीएम और मतलब पद के इतने बड़े बड़े अधिकारी और मंत्रियों के पास बराबर कुर्सी डालने का हकदार हुआ दुष्यंत चौटाला। आप लोगों को गर्व होना चाहिए दुष्यंत चौटाला जैसे युवा के ऊपर। बस मैं ये आपको कहना चाहती हूँ और अपने बच्चों को प्रेरणा दे कि वो जातिवाद क्षेत्रवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद की नीति अपनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं पहली बार आपको ये नहीं कहूंगी कि शेयर करो, अगर आपको ठीक लगता है मेरा विचार और हरियाणा की उन्नति के लिए तो आप इसको जरूर करना। रहा किसान के मुद्दे, पेंशन के मुद्दे या आपको जिन मुद्दों पे लगता था कि अब की बार आपने 10 नेताओं को हराया तो वो मुद्दे अब की बार भाजपा अवश्य पूरे करेगी, क्योंकि राष्ट्र की बात केवल यही पार्टी कर सकती है और कोई नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।